तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आहा हा, क्या लग रही है मेरी सोनपरी। थैंक यू आई। आई तुम पर खूब छान दिसते हो करण। अलग ही लग रहा है कुछ। अरे वैसे बाबा कहाँ है? हॉल में होंगे, देखते हैं क्या स्पेशल पहना है आज। हाँ, चलो। देखिए आदत नहीं है ना तो एकदम ही। अहो, अभी तक आप तैयार नहीं हुए। चला? क्या तैयार हूँ मैं माधवी, यहाँ पे मेरी सास अटकी पड़ी हुई है। एक तो चाचा जी न्यू ईयर की पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी के पास से फंड तो लेके गए, ऊपर से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके गए। अभी समझ में नहीं आ रहा कि उस हिसाब से पार्टी का अरेंजमेंट किया है नहीं किया है, कहीं गलत नहीं है। आहो, आप ना हमेशा टेंशन लेते रहते हो। मैं रहता नहीं हूँ टेंशन, मुझे दिया जाता है। और देने वाली एक ही फैमिली है यहाँ पे, गड़ा फैमिली। और बारी बारी मुझे टेंशन देते, कभी टप्पू, कभी जेठालाल, अभी चंपक चाचा। कभी कभी लगता है कि इस सोसाइटी का नाम गोकुल धाम नहीं टेंशन धाम होना चाहिए। आप ना घर पे ही रहिए, आप आइए मत पार्टी पे। अगर किसी ने पूछा ना तो मैं बोल दूंगी कि आपको बहुत टेंशन है इसलिए आप नहीं आए। आई बाबा डोंट वरी, ट्रस्ट मी, दादाजी ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए होंगे और हम सब पार्टी में बहुत एंजॉय करेंगे। चलो भी आप जल्दी से जाइए और रेडी होकर आइए। हां ठीक है, होता हूं। ऐसे आएंगे आप? तो और कैसे? ओ मतलब बाहर से नहीं अंदर से रेडी हुई है? तो अंदर जाके तैयार होगा ना। ओहो, अंदर से मतलब थोड़ा मुस्कुराइए, हसीए, खुश होइए, ऐसा मला म्हणायचं आहे। ठीक है। हाँ लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ, अगर पार्टी में कुछ गड़बड़ हुई या नुकसान हुआ ना तो मैं जेठालाल से ही वसूल करूंगा। पापा कहाँ हो आप? यहाँ। पापा आप इतना लेट क्यों आए? बापूजी कहाँ है? क्या पापा, आप मेरे सवाल का जवाब सवाल से ही दे रहे हैं। अरे बेटा अभी दिमाग खराब मत कर बेटा, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब देना बेटा। कहाँ है बापूजी? दादाजी कंपाउंड में। मैं अभी वहीं से तो आ रहा हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छा, दादाजी तो सोसाइटी में, कब से पार्टी की तैयारी में लगे। वैसे पापा एक बात तो कहनी पड़ेगी, दादाजी ने क्या जबरदस्त प्लानिंग किया पार्टी की। तुझे कुछ पता चला बापूजी क्या करने क्या वाले पार्टी में? नहीं पापा। क्या टप्पू? क्या क्या टप्पू पापा? अरे इतना होशियार हो कि इतनी छोटी सी बात का पता नहीं लगा सका तू? पापा आप मुझे होशियार समझते हो, लेकिन वो तो टप्पू के पापा है, तो सोचो वो कितने होशियार होंगे। फिर भी मैंने कोशिश की और बड़ी मुश्किल के बाद मुझे एक बात का पता चला है। हाँ बोल, क्या क्या क्या? कि वो आज पार्टी में सबको एक बॉक्स देने वाले हैं। बॉक्स? कैसा बॉक्स? वो तो मुझे नहीं पता। पापा आप ये सब टेंशन छोड़िए, जल्दी से तैयार हो जाइए, दादाजी ने सबको 8:30 बजे बालकनी में बुलाया है। और देखिए 8:30 बजने वाले हैं। आज के 8:30 सबके बैंड न बजाए तो अच्छा है। जाइए पापा जल्दी से तैयार हो जाइए। मेरी टप्पू सेना का क्या हाल है, तैयार हुई कि नहीं? हेलो। यस फ्रेंड्स, पार्टी के लिए तैयार? यस यस टप्पू, 2020 की आखिरी पार्टी हम जम के करेंगे। यस, और आज तो पार्टी में करेंगे कमाल। और टप्पू सेना करेगी पार्टी में धमाल। फ्रेंड्स, आज टप्पू सेना पार्टी में फुल ऑन धमाल करने वाली है, और आज हम सब मिलके ऐसी पार्टी करेंगे कि सबको हमेशा याद रहे। यस यस। वाह वाह अब्दुल भाई, बापूजी ने तो कमाल कर दिया। नहीं कितना मस्त आयोजन किया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि पार्टी में करने क्या वाले हैं। हाँ भागा भाई, 8:30 बज चुके हैं, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। पापा रेडी? हो हो, पापा क्या लग रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। चलिए 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 चलिए। वाह क्या बात है, क्या सजावट है। क्या बात है ना, चाचा जी ने क्या डेकोरेशन किया है।
वाओ पापा, दादाजी ने क्या मस्त डेकोरेशन करवाया ना। डेकोरेशन तो अच्छा है, खाली ये अपने इधर ये लाइट पता नहीं उधर छोटी के बालकनी में जबुक जबुक हो रही है, इधर नहीं हो रही है। बबीता जी के उधर भी जबुक जबुक हो रही है। I'm so excited. देखो ना चाचा जी ने कितनी बढ़िया सजावट की है। बिल्कुल अंजलि, सोचो आगाज इतना दमदार है तो अंजाम क्या कमाल का होगा है। बिल्कुल। आई मुझे तो लग रहा है आज की पार्टी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। ओ बगलो जगमगाते नुस्ता। हाँ, तो होगी ना सोनू, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके गए चाचा जी। आप चालू मत कीजिए अभी। जरा भी ज्यादा खर्चा हुआ ना तो मैं जेठल से वसूल करूंगा। हाँ बोलना ना स्पाइजी। आई दिस इज रियली सरप्राइजिंग। चाचा जी क्या बात। तो इंतजार की घड़ियां होती है अब खत्म। हे एवरीवन, दिस इज सोनी एंड दिस इज मोनी, और हम दोनों मिलकर आप लोगों का इस नए साल की पार्टी में स्वागत करते हैं। और हमें यकीन है कि आप और हम मिलकर इस 2020 की आखिरी शाम को यादगार बनाएंगे। तो अब हो भी क्यों ना मोनी, न्यू ईयर का वेलकम तो जोरदार ही होना चाहिए। राइट। 8:30 बज चुके हैं, यानी अब होने जा रहा है धमाल। सो लेट्स रॉक द पार्टी। तो अब मैं सोसाइटी की सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए और इस पार्टी की शुरुआत करें। कैसे मतलब, अरे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, तो शुरुआत कैसे करूँ मैं। जाइए ना, वो लोग जैसा बोलेंगे वैसा कीजिए। आइए जाइए जाइए। आओ भाई बेटा आओ। सो प्लीज वेलकम श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। माहौल है जैसी चमक दमक है, मुझे लगता है डांस पार्टी होगी। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसलिए तो मैंने ऐसी ड्रेस पहनी। क्या बात है। तो सोसाइटी के सेक्रेटरी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू। सोनी जी, मुनी जी, आपने मुझे पार्टी की शुरुआत करने के लिए बुलाया, लेकिन मैं जानता नहीं कि पार्टी में क्या होने वाला है। दरअसल हमारे सोसाइटी के एक चाचा जी है चंपकलाल गड़ा जी, उन्होंने इस पार्टी का आयोजन किया है। हमें तो पता है, बल्कि उन्होंने ही हमें बुलाया है। हाँ तो आप उन्हें ही बुलाइए ना पार्टी की शुरुआत करने के लिए। तो आप ही बुला लीजिए ना। अच्छा चाचा जी। ओ चाचा जी, पार्टी के ऑर्गेनाइजर को कैसे बुला रहे। अरे इज नॉट एन एंकर ना, समझा का। देखिए जिन्होंने इस पार्टी का आयोजन किया है, मैं चाहता हूँ कि वही इस पार्टी की शुरुआत भी करे। तो हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, चंपकलाल गड़ा जी का। मैं चाहता हूँ चाचा जी आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज यहाँ पे आ जाइए। चाचा जी कहाँ हैं आप। हेलो गोकुलधाम वासियों। आई है पापा, दादाजी क्या मस्त लग रहे ना। मस्त लग रहे हैं चाचा जी, स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ कछोड़। हाय चाचा जी। पहनते है ना, पेंट की आदत नहीं है ना, इसलिए फिसल गए होंगे। ये मुझे बोल रही थी पार्टी की शुरुआत करने के लिए, भी मुझे मालूम ही नहीं करना क्या है, आप मुझे बता दीजिए तो मैं शुरुआत करता हूँ। बिड़े जी आप जा सकते हैं, चाचा जी कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा ओके थैंक यू, जाए। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों,
न्यू ईयर की पार्टी में आप सबका स्वागत है। सबको कैसी लगी तैयारी? मस्त चाचा जी, अमेजिंग दादा जी। तुम्हें बोला कहीं सर? हाँ हाँ, बहुत खर्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जितना हमने सोचा था ना, उसे कई गुना ज्यादा बढ़िया सजावट की है। ओ चाचा जी, तुसी तोप हो साड़ी गोकुलधाम सोसाइटी दी। ओ पो को वधिया, दिल खुश कर दिता। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सब लोगों ने मुझ पे भरोसा रखा, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। मुझे पता है आप सब लोगों को यही टेंशन हो रहा है ना कि मैं पार्टी में क्या करने वाला हूँ। दरअसल इस बार टप्पू सेना की तरह मैंने भी ये सोचा कि मैं आप सब लोगों को सरप्राइज। अरे वाह, इसलिए माफ करना, मैंने आप में से किसी को भी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। चाचा जी, माफ करने की क्या बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चाचा। लेकिन लेकिन अभी आप सब लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। लेकिन चाचा जी, हम सबको यह बालकनी में क्यों खड़ा रखा है? हाँ चाचा जी, आपने बुलाया न्यू ईयर की पार्टी के लिए और सब लोग इसी तरह बालकनी में खड़े रहेंगे तो पार्टी कैसे होगी? वही तो सरप्राइज है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस 2020 का साल हम सब लोगों के लिए कितना कठिनाई भरा रहा, लेकिन कल से 2021 शुरू हो रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि 2020 की ये आखिरी शाम सबको हमेशा याद रहे। वो? सही बात है चाचा जी, ये 2020 हमेशा सबको याद रहेगा। आज हम सब लोग मिलके एक खेल खेलेंगे, और ऐसा खेल जो हम लोग सिर्फ इसी साल खेल सकते हैं। अच्छा? और आशा करेंगे कि इस खेल को खेलने की आगे कभी भी नौबत ही ना। ओ चाचा जी, ऐसा कौन सा खेल है? अभी पता चल जाएगा। सोनी बेटा, मुनी बेटा, बापूजी सोनी मुनी को क्या बता रहे हैं? पता नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे ये दोनों कहाँ जा रही है? अरे गिफ्ट क्या क्या है क्या वो बॉक्स में? पता नहीं, बैग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे देवा, इतने सारे गिफ्ट के बॉक्सेस, पक्का बजट बढ़ने वाला। अभी ये बॉक्स आप सबको दिए जाएंगे। लेकिन चाचा जी, ये बॉक्सेस में है क्या? अरे भाई जरा शांति रख। अरे चाचा जी, मैं कब से शांत ही खड़ा है, पहली बार तो बोला नहीं, मत बोल। सोनी बेटा, मुनी बेटा, सब लोगों को बॉक्स देना शुरू करो। अब्दुल भागा, तुम लोग भी इनकी मदद करो। जी जी बापू जी, जाओ बच्चों, तुम भी हेल्प करो। चल बिगो, हेल्प कर। चल चल। बच्चों दे दिए, सबको बॉक्स मिल गए। जी 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 जी, हाँ चाचा जी, हाँ तो सब लोग बॉक्स खोलो। हाँ खोलते खोलते। ये पीपी किट? हाँ। ये बॉक्सेस बदल तो नहीं गए? हाँ, लक्की गलत बॉक्सेस आ गए हैं। हाथी भाई का पार्सल गलती से हमारे पास तो नहीं आ गया? लगता है ऐसा ही कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं चाचा जी, हमारे पास भी गलत बॉक्सेस आ गए। नहीं नहीं, गलत बॉक्स नहीं है, छोटे शायद
सबके बॉक्स में पीपी किटी है ना बापूजी? सबके बॉक्स में पीपी किटी है। पीपी किट पार्टी में मतलब क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी में ये पीपी किट का क्या काम? अरे पहले सब लोग पीपी किट पहन के नीचे आओ फिर बताऊंगा। पहनने अगो भाई चाचा जी हम लोग इतने अच्छे से तैयार हुए हैं और अब आप हमको ये पीपी किट पहनने के लिए बोल रहे हैं, अब कैसा लगेगा? सही बात है। ए अय्यड़ी जितना बोला है उतना कर, सबको पीपी किट पहननी पड़ेगी। लेकिन बापूजी चेखिया एक बार में बात समझ में नहीं आती। चलो सब लोग जल्दी से पीपी किट पहन के नीचे आओ। चल पहन लिया चल। आगे आगे वाह सब लोग आ गए। तो गोकुल धाम की न्यू ईयर पार्टी में आप सबका फिर से स्वागत है। थैंक यू चाचा जी। पर ऐसे पीपी किट में हम पार्टी कैसे करेंगे? हाँ आई मीन ये काफी अजीब नहीं है? अजीब मुझे क्या है, कूपस अजीब है। चाचा जी ये पीपी किट क्यों पहनाया है? हाँ ये पीपी किट पहन के पार्टी कैसे करेंगे? सही बात है। वही तो चाचा जी हम लोगों ने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, अभी ये पीपी किट पहनकर अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई एक मिनट चुप हो जाना भाई, मुझे बोलने का मौका तो दो। सब लोग बोले ही जा रहे हैं। रुको जरा, अभी दो चीजें और बाकी है। सोनी बेटा मोनी बेटा सब लोग एक एक ले लो। दादाजी सब किसके लिए? क्या क्या करने का? हॉस्पिटल में जाना है। शांति रखो ना वर्कर, शांति रखो जैसे शांत रहे। क्या 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 कर रहे हो? ये पहनने के लिए और क्या? चाचा जी वैसे ये पीपी किट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर ये मास्क और चश्मा, और हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं तो पार्टी कैसे करेंगे? बताता हूँ देखो, 2020 में ये पीपी किट और मास्क ये हमारी पहचान बन गए। कोरोना वायरस से बचने के लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और ना चाहते हुए भी ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। सही बात है। आज जब 2020 खत्म हो रहा है तो क्यों ना हम भगवान से प्रार्थना करें कि 2021 से हमें ये पीपी किट और मास्क कभी भी पहनने की जरूरत ही ना पड़े। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने पीपी किट मास्क और चश्मे के साथ एक खेल सोचा है। तो ये सब खेल है? अच्छा जी। अयो खेल मजा है ना रे, कहीं तेरी बेगड़ा तो नहीं का? वाह दादाजी क्या सोचा आपने, बहुत मजा आएगा। पर सुनिए एक खेल की है मनुष्य का पर। ओ सॉरी ओ चाचा जी, पर खेल क्या है? हाँ दादाजी बताइए। अरे बताता हूँ भाई बताता हूँ सबको बताता हूँ। अरे ये खेल एकदम हटके होगा, ध्यान से सुनो। अभी 220 सेकंड के लिए एक गाना बजेगा और आप सब लोगों को उन 220 सेकंड में अपने अपने जोड़ीदार को पहचानना होगा। दोस्तों चमक है दमक है, हंगामे हैं ठाक हैं, गोकुल धाम में यहाँ नए साल की पार्टी प्रारंभ हो चुकी है, यानी हंगामों की शुरुआत हो चुकी है। चाचा जी द्वारा आयोजित इस पार्टी के सरप्राइजेस परत खुलते जा रहे हैं, हर सरप्राइज पहले सरप्राइज से ज्यादा मजा दे रहा है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। कहते हैं ना इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, और जो आगे होने वाला है कमाल का, क्योंकि कल साल की आखिरी शाम
हम मनाएंगे आपके साथ, और जब आप और हम मिलके मनाएंगे और मिलके करेंगे नए साल का स्वागत, तो सोचिए हंगामे कितने गुना हो जाएंगे, खुशियां कितनी बढ़ जाएंगी। तो बड़ी ही खुशियों के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो आप देखेंगे। आइए मिलके देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।